नमस्ते। इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीखेंगे। यह इस पाठ का तीसरा अध्याय है। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य। इस पाठ में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय आंदोलनों के संगठन के बारे में सीखेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, बंगाल विभाजन 1900 से 1920 की भारतीय राजनीति और महात्मा गांधी के आगमन। इस अध्याय में हम 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों के बारे में सीखेंगे, 1922 से 1929 के बीच के आंदोलनों के बारे में, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में हम 1919 से 1922 में हुए तीन प्रमुख आंदोलनों के बारे में सीखेंगे। पहला, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीय नेताओं ने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को लोगों से इस कानून का अहिंसक विरोध और हड़ताल करने के लिए आह्वान किया। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला अखिल भारत संघर्ष था। इसके दौरान लोगों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसके दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। दूसरा, खिलाफत आंदोलन। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमानों को इस घटना पर भारी गुस्सा था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस घटना के विद्रोह में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने इस आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए। तीसरा, असहयोग आंदोलन। 1921-1922 के दौरान असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अदालतों, विधान परिषदों, स्कूल कॉलेज और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। खेड़ा में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाए। तमिलनाडु में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने वन सत्याग्रह किया। सिंध में मुसलमान व्यापारी व किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित हुए। बंगाल में खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग की। 1922 से 1929 के बीच के आंदोलन। 1922 में कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। गांधी जी हिंसक आंदोलनों के खिलाफ थे और इसी कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन
वापस ले लिया। इस दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार उपयोगी था। इस दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 20 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दांडी मार्च 1930 में गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के क्रूर दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। उन्होंने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन फैलता गया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर दिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। लीग ने पाकिस्तान की मांग को अपना प्रमुख उद्देश्य घोषित किया। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। उस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। मार्च 1927 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। विभाजन के समय लाखों लोग मारे गए। महिलाओं पर अकथनीय अत्याचार हुए। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का आनंद, विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। अब हम इस अध्याय में उपयोग किए गए कुछ शब्दों का अर्थ समझेंगे। खलीफा, मुसलमानों के सर्वोच्च धार्मिक प्रमुख। नमक कानून, ब्रिटिश राज के दौरान नमक के उत्पादन और बिक्री पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था। सरकार ने नमक पर अत्यधिक कर लगाया। कैबिनेट मिशन, 1946 में ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यों का परिसंघ भारत भेजा। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया।